हमने न्यू बर्ड्स लेने तो हैं, लेकिन अभी नहीं लेंगे। जब मौसम ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, जब सर्दी कम हो जाएगी फिर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। कल दो बेबी डक्स मरने के बाद हमने उन्हें कॉटन में शिफ्ट कर दिया था। पास के अलावा उसके अंदर पराली भी डाल दी थी जो गर्म होती है। और आज हम जाते हैं और चेक करते हैं हम अपने डक्स, बेबी डक्स वो कैसे हैं। उससे पहले मैं ऊपर आ गया हूँ, ऊपर आके मैं आपको अपने बर्ड्स वगैरह भी दिखाता हूँ। दिखाने से पहले आज मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ, आज भी बहुत ठंड है। दो तीन दिन हो गए सूरज नहीं निकला, मुसलसल थोड़ा सा भी नहीं निकला, बहुत ठंड है। दो तीन दिन पहले थोड़ा सा निकला था, हवा भी चल रही थी। उस दिन भी हमने अपने पेट्स को नहीं निकाला था, कल भी नहीं निकाला था, क्योंकि कल आपके सामने मैंने सिर्फ खुराक वगैरह डाल दी थी। खुराक वगैरह डाल के फिर उन्हें दोबारा कवर कर दिया था। आज मैंने उनका सिर्फ सिर्फ छापर हटाया है, बाकी वैसे के वैसे कवर हैं। छापर मैं आपको दिखाता हूँ, छापर वगैरह हटा दिए मैंने और इनके लिए मैं खुराक भी लेके आया हूँ। अब चलते हैं ऊपर वाले पैड्स भी देखते हैं, वो ठीक हैं, सर्दी तो नहीं लगी हुई उन्हें। और ये उन्हें खुराक भी डाल देते हैं, पानी वगैरह भी चेंज कर देते हैं। अब चलते हैं अपने पैड्स के पास। मैं अपने पैड्स के पास आ चुका हूँ, इनका छापर हटाता हूँ और कवर वगैरह सारे फिर इन्हें खुराक देता हूँ, फिर इन्हें दोबारा कवर कर दूंगा, क्योंकि आज भी बहुत ठंड है, आज भी सूरज नहीं निकला हुआ। खुराक वगैरह मैंने दोबारा डाल दी है, बड़ी तो थी लेकिन मैंने अपनी तसल्ली के लिए और भी डाल दी, मैंने कहा दोबारा ना डालनी पड़े। पानी वगैरह इनका ठीक है, मैंने चेक किया है, लेकिन अब इन्हें कवर करते हैं दोबारा। आज ज़्यादा कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये खा पी सके, इसकी वजह से ये कवर करके भी नीचे चलते हैं। नीचे वाले बर्ड्स दिखाते हैं आपको, नीचे वाले बर्ड्स हमने निकाल लिया और खास तौर पर मैंने आपको वो दिखाया बेबी डक्स। अब मैंने इन्हें कवर कर दिया, अब चलते हैं। इसमें बस एक दिन ही रखे हैं डक्स वगैरह, वो इसमें सर्वाइव नहीं कर सकी थी। दूसरे केज में भी डाला था लेकिन वहाँ भी सर्वाइव नहीं कर सकी थी। फिर हमने इसे कॉटन वगैरह में डाल दिया है, हमने रुई वगैरह मैंने आपको पहले बताया उधर डाल दिया है। इसके अंदर कुछ ना कुछ रखेंगे। हमने न्यू बर्ड्स लेने तो है लेकिन अभी नहीं लेंगे। जब मौसम ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, जब सर्दी कम हो जाएगी फिर लेंगे। अब मैं आपको आसमान दिखाता हूँ, देख सकते हो बहुत बादल हैं। फसल से तीन दिन हो गए, ये खड़े हैं, आज चौथा दिन है। बस थोड़े थोड़े धूप निकली थी लेकिन आज ही नहीं निकली, बादल भी आए, धुंध भी ऊपर चली जाती है। और ये हमारे पौधे वगैरह हैं। अब नीचे चलते हैं, आपको नीचे वाले बर्ड्स दिखाते हैं। हम नीचे आ चुके हैं, नीचे वाले बर्ड्स दिखाते हैं आपको। ये केज खाली है अभी तक, इसमें कुछ भी नहीं डाला, डालेंगे इसमें बहुत जल्द कुछ ना कुछ। ये हमारे कबूतर, कबूतर के बच्चे का नाम हमने रखा है जैक। ये बड़ा हो गया, इसे हम हैंटेन करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, इसका नाम रखा है हमने जैक। और ये नीचे वाले कबूतर, इसका एक ही अंडा है, कल देखा था मैंने, लेकिन अभी तक पता नहीं है इसमें बच्चा निकला या नहीं निकला, निकलेगा या नहीं निकलेगा, फिर देखेंगे हम। अब चलते हैं, आपको दूसरे पेरेंट्स दिखाते हैं, एंड में आपको डक्स दिखाएंगे, बेबी डक्स। इसमें हमारे बेबी डक्स, ये देखें बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें बाहर निकालो। सर्दी की वजह से हम इसे नहीं निकाल रहे बाहर, लेकिन ये कहते हैं हमें बाहर निकालो। ये अंदर ही ठीक है, पहले भी हमारा लॉस हो चुका है, हम और लॉस नहीं करना चाहते अपना। अब चलते हैं, आपको बाहर वाले पेट्स दिखाते हैं। देखें बाहर आने की फिर कोशिश कर रहे हैं, ये वो खाना खा रहा है, देखें वो भी आ रहा है अब निकलने के लिए, लेकिन जंप कर रहे हैं। ये देखें अभी थोड़े छोटे हैं, इसी वजह से नहीं निकल सकते। अब चलते हैं बाहर वाले पेट्स दिखाते हैं आपको। और ये देखें बाहर आग भी गया था, अब चलते हैं बाहर वाले पेट्स दिखाते हैं आप। अभी हम थोड़ा काम जा रहे हैं, काम से वापस आकर फिर आपको और पेट्स दिखाते हैं रह गए। हम काम से होकर वापस आ गए हैं, अब मैं आपको अपने बर्ड्स दिखाता हूँ रह गए। ये हमारे बर्ड्स हैं, ये देखिए, ये आज बाहर आया पड़ने से उठा के फिर हमने डाल दिया, हमने इसका बच्चा नज़र नहीं आ रहा, ये बैठे हैं यहाँ पर भी बैठे हैं, इसने शायद अंडा दे दिया, इसका अभी पता नहीं है। इसका हमने घर चेंज करना है, बहुत जल्द चेंज कर देंगे। और ये हमारे ऑक्टेन आज भी चुप करके बैठे हैं। ये हमारे दूसरे पैर चार इसमें डाले थे, एक दो मैंने अब कल काउंट भी है, दो ये इकट्ठे बैठे हैं और दो ये बैठे हैं चार। और ये हमारे कुछ पैर होते ही अंदर है, पता नहीं हो जा क्या है, मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही, आप बता दें। देखिए आज इसका एक बच्चा ऊपर बैठा है, इनके बाल नहीं आ रहे, समझ ही नहीं आ रही क्यों नहीं आ रहे, चेक कराना पड़ेगा मेरे ख्याल में। इसने अभी अंडे दिए हुए हैं, इसका घर मैंने आया है काफ़ी अर्थ जीवन करना है, फिर मैं तुम छोड़ दो फिर नहीं करते, क्योंकि ये देखिए यहाँ से सारा टूटा पड़ा है,
और ऊपर बूढ़े के सामने वहाँ से सारा सी लगते से सारा खाट। और आप दिखाते हैं आपको पहाड़ी तोता, बस ये हमारा पहाड़ी तोता शोर में कहीं जा रहा है देर से कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं, कुछ खाने के लिए दे देते हैं अब इन्हें काटने के लिए, अब ले आते हैं कोई चीज़ खाने के लिए दे देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।